नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ दिल्ली रोड स्थित राही होटल में पंडित गोपाल दत्त शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना और हवन के साथ संपन्न कराया। महापौर पद प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने बताया कि पार्टी नेतृत्व में मुझे तीसरी बार महापौर बनने का आशीर्वाद दिया है। मुझे आप सभी के सहयोग से संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। हम महानगर को विकास के पथ पर लेकर चले हैं और यह क्रम चलता रहेगा। तीन बार बीना अग्रवाल महापौर बनी थी, मैं भी दो बार महापौर बना हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से तीसरी बार महापौर बनना है। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, पूर्व पिछड़ा आयोग सदस्य गिरीश वर्मा, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, के मिश्रा, राजू कालरा, राजेश रस्तोगी, मनोज गुप्ता, महेश अग्रवाल, काव्य रस्तोगी, प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्ता, रानी सैनी, सिद्धार्थ शर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कहेंगे? परंपरागत रूप से भगवान को, ईश्वर को साक्षी मानकर आज हमारा हवन पूजन किया, जीत की विजय श्री की कामना की। पांचवी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और हमारा नारा यही है, आओ बनाएं एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार। अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। जिन लोगों को काम नजर आ रहा है वो सब मेरे साथ हैं। बाकी मेरे साथ फाइट इस बार किससे रहने वाली? पिछली बार दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। क्या चीज? पहले कांग्रेस और आप बीजेपी की फाइट रही, इस बार किससे रहने वाली है फाइट? भाई ये तो आपस में वो लोग तय करेंगे, मुझे थोड़ा तय करना है किससे फाइट होगी। आपको क्या लगता है? ये क्या लगेगा? मैं तो अपने चुनाव में लगा हूँ। आप देख रहे हैं सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। 15 वार्डों से मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने काम किया है बिना भेदभाव के। बाकी जो अन्य हमारे मुस्लिम प्रत्याशी जीते हुए विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने काम गिना लें, वो अपने पत्थर गिना दें कहाँ कहाँ लगे, बस काम करता है। काम बोल रहा है और काम ही बोलेगा।